بسم الله الرحمن الرحيم. علم النحو का 40वां सबक है और असमाए ज़ुरूब में से कैफ़ा. कैफ़ा जो है ये हाल दरियाफ्त करने के वास्ते आता है. अगर किसी से पूछते किसी के हाल दरियाफ्त करते हैं तो अरबी में उसके लिए हम लफ्ज़ कैफ़ा ही इस्तेमाल करते हैं. मसलन हम कहे किसी के हाल दरियाफ्त करते हैं, किसी के हाल पूछते हैं, तो हम उसे कहते हैं कैफ़ा हाल होगा, या कैफ़ा जिएता तू किस तरह आया, या कैफ कुंता अलबारहा आप रात को कैसे थे. तो हाल मालूम करने के लिए हम कैफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. और कैफ अंता इसका मतलब है कि फी अय हालत अंता, कि आप किस हालत में हैं, तो किस हाल में हैं. तो कैफ हाल दरियाफ्त करने के लिए है. फिर कैफ जो है इसकी तरकीब के बारे में हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि कैफ़ा की तरकीब किस तरह करेंगे. तो कैफ़ा हालों का, कैफ़ा कुंता अलबारहा, बारहा रात को. और कैफा जिता ये तीन तरह की, एक दो और तीन, इसकी तरकीब हम किस तरह करेंगे. इसकी तरकीब के लिए हम एक कायदा आपको बता रहे हैं. कायदा ये है कि हम देखेंगे कि इसका जवाब क्या आ रहा है. कैफा हालों का या कैफा अंता दोनों आप कह सकते हैं, कैफा अंता या कैफा हालों का. अभी ये कैफा के जवाब में, कैफा अंता या कैफा हालों के जवाब में हाली, हा ली या अना, ये इसके जवाब में आ रहा है. और ये इसके जवाब में कैफ हालों का अना बखैर या हाली बखैर, अना जयीदुन हाली तय्यिबुन. अभी ये तो इसके मुकाबले में आया, लेकिन ये इसके मुकाबले में आया तो ये बन रहा है खबर. तो ये कैफ क्या बनेगा, खबर बनेगा. यहाँ पर ये जो बन रहे हैं वही पर कैफा वही बनेगा. कैफा कुंता अलबारहा आप रात को कैसे थे, तो इसके जवाब में वो कह रहा है कि कुंतो अलबारहता मैं रात को था मरीजन. अभी काना ये फ़ैल नाक़िस है, ये तो ज़मीर जो है ये इसम काना है, और ये मरीजन ये ज़र्फ़ है, और मरीजन जो है ये ख़बर काना है, ये ख़बर काना है, ये इसम काना और ये ख़बर काना, खबर कहना मंसूब होता है. तो यहाँ पर कैफ जो है ये खबर मुकद्दम है इस कुंतो फ़ैल के लिए, कुंता अलबारहता. तो कैफ यहाँ पर खबर मुकद्दम है इस कुंता फ़ैल के लिए. कुंता ये इसम नाक़िस या फ़ैल नाक़िस, और ये ता ज़मीर जो है ये इसमें काना अलबारहा ज़र्फ़ है, और कैफ़ा ख़बर मुकद्दम लिखाना. अब ये कैफ़ा जिएता
तो अभी आप उसके जवाब में कहे कि जे तो माशियन, तो अभी ये हाल बन रहा है किसके लिए, इस तो ज़मीर के लिए। तो जा फ़ैल है, तो ज़मीर ये ज़ुलहाल है और माशियन ये हाल है, और हाल ज़ुलहाल मिलकर ये दोनों फ़ाइल है इस जे तो फ़ैल के लिए। तो फ़ैल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ैलिया खबरिया, तो कैफ़ क्या बनेगा जे तो के लिए, ये तो ज़मीर से हाल बनेगा। इस तरह के यानी जो इसके जवाब में जो चीज़ आ रहा है और वो जो बन रहा है तो कैफा उस तरकीब में वही चीज़ बनेगा। तो ये है आज का हमारा सबक। फिर भी अगर सबक में कोई मसला हो, आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, तो बता दें, इंशाल्लाह इसे भी आसान तरीके से समझाएंगे। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।